गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोग फैराडे के ही दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, पर यहां पे चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है। कौन इन्वॉल्व है? चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो देखते हैं दो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज का 30 एंड देन एक्सरसाइज का 12। देखते हैं बच्चों क्या दिया है। अ स्मॉल फ्लैट स्क्वायर, एरिया दे दिया 2 cm². तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 × 10⁻⁴ m². 25 क्लोजली बाउंड टर्म्स, दैट मींस टर्न भी अवेलेबल है 25। 2 फ्लो ऑफ टोटल चार्ज यानी q आपको दे दिया है 7.5 mC। एंड एज वेल एज टोटल रेजिस्टेंस भी दे दिया है 0.5 ओ। फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आपके सामने बहुत ही टिपिकल सिचुएशन आ गई, कोई बात नहीं। फैराडे लॉ को अप्लाई करने चालू करो तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी था, माइनस साइन को निग्लेक्ट करो। सर यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई करो तो E इज इक्वल टू आई है, इसका मतलब 5 × 1 / δt। सर करंट यानी चार्ज बाय टाइम डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना है ग्रीन मार्कर को, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं यस सर, तो एन से मल्टीप्लाई करो, तो एन से मल्टीप्लाई करो, तो एन आ गया, इसकी जगह वी ए। इनिशियल स्टेज पे फ्लक्स जीरो है। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो क्या क्या कट हो रहा है, तो देख सकते हो दोनों साइड टाइम कट। चलो फाइंड क्या करना है, बी, तो बी को सब्जेक्ट बनाओ, यानी बी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आर अपॉन एन ए। चलो बच्चों सारी वैल्यू मेरे को पुट कराओ, क्या मिल रहा है, चार्ज अवेलेबल है यस सर, इसको ऐसे लिखो 75 × 10⁻⁴, डन। रेजिस्टेंस को मैं अगर 1/2 लिख दूं 0.5, नंबर ऑफ टर्न्स 25 एंड एरिया 2 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ कट हो गया, 25 × 3 = 75, तो b इज इक्वल टू ऊपर बचा 3, 2 × 2 = 4, यानी 3/4 आया बच्चों, यानी इसका 0.75 टेस्ला। देखो मेरे पास इजीली टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, बहुत ही सिंपल था। चलो ट्राई करने के लिए पूरा यही का यही न्यूमेरिकल, सिर्फ मैं रेजिस्टेंस को 5 ओम करता हूं और चार्ज को 100 mC करता हूं, पूरा न्यूमेरिकल सेम है। प्लीज खुद ट्राई करो, ध्यान से देखो, पूरा फटाफट गिन लो। अब जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, यानी लेंथ आपके पास है 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर बोला है तो पहले रुको इसका तो मीटर करो। अगर स्क्वायर बोला है तो एल स्क्वायर, यानी 0.12 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको याद करो 12 का हो जाएगा 1/4 - 2 को हटाओ तो इतना मीटर हो गया। बोलो एरिया हमारे पास पक्का है बच्चों। चलो ये कर, वेलोसिटी आपको दी हुई है 1 cm का मीटर करो, यानी 10⁻²⁰ m/s। ये जबरदस्त बोला, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यानी टाइम और डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या करेंगे। तो बच्चों एक काम करो, आपको दो बार गिनना पड़ेगा, यानी फर्स्ट केस की बात करो जब वो टाइम से चेंज होता हो, तो सर वो तो हमें आता है, क्या था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस d5/dt, माइनस साइन को निग्लेक्ट कर दो, इसकी जगह ए बी लिख सकते हो यस सर, सही बात। ए को बाहर निकाल दो, E इज इक्वल टू ए db/dt, ये फर्स्ट केस है, इसलिए जब जगह मैंने इवन लिख दिया, चलो इवन वैसा वैसा एरिया,
144 10^-4। चलो बच्चों डीबी बाय डीटी आपके पास अवेलेबल है ही 10^-3। सिंपल सा हो गया, पहला ईएमएफ मिल गया 144 10^-7 वोल्ट। देखो बच्चों फर्स्ट केस में जब सिर्फ टाइम चेंज होता था तब हमें वोल्ट मिल गया, चलो ये डन। नेक्स्ट केस की बात करूं तो नेक्स्ट केस में टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो फिर से वही एफ फॉर्मूला अप्लाई करो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको हम ई टू लिख दें, डी बाई डी टी इसकी जगह बी है। सर स्क्वायर छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, यानी स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी ए निकल गया बाहर, क्या लिखेंगे हम लोग? डीबी बाय डीटी। अब क्या कर सकते हैं? सर एरिया कांस्टेंट है तो उसको रहने दो, इसका कुछ जुगाड़ करो, डीबी वैसा का वैसा, डीटी वैसा का वैसा। मैं थोड़ा मैथ जानता हूं तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डीएक्स लिख दिया। क्यों ऐसा किया? आप सब देख लो आपका काम हो गया, एरिया तो मिल गया है 144 10^-4। बोलो डीबी बाय डीएक्स आपके पास अवेलेबल है? यस सर। पर यहां पे देखना डीबी बाय डीएक्स 10^-3 टेस्ला पर सेंटीमीटर, तो मैंने मीटर कर दिया, सेंटीमीटर का मीटर कर दिया, ऊपर ले जाओ यानी 10^-1 टेस्ला पर मीटर, तो ये हो गया dx by dt यानी वेलोसिटी 8 × 10^-2। दोस्तों सारी वैल्यू हो गई, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर दो 1152 × 10^-7 वोल्ट। देखो मेरे पास दूसरा वोल्ट भी आ गया। सर पहला सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, दूसरा टाइम भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अब हम लोग टोटल ईएमएफ सोचे, चलो टोटल ईएमएफ यानी दोनों का एडिशन, तो देख सकते हो 10^-7 बाहर निकल जाएगा, 1152 + 144 इन दोनों का सिंपली एडिशन कर दो तो 1 देखो क्या आएगा 629 × 10^-7 वोल्ट। ध्यान इधर रखना बच्चों के आपके पास टोटल ईएमएफ रेडी है, यानी आपका बहुत ही बढ़िया काम हो गया, टोटल ईएमएफ मिल गया। चाहिए करंट, बोलो करंट का फॉर्मूला सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ आपके पास है, तो ई यानी आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई हमें मिल गया 129 6 10^-7। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस यहां पे नहीं लिखा, देखो सारी चीज आपको ली हुई, करंट नहीं लिखा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका रेजिस्टेंस भी मैंने दिया हुआ है, ऐसा इसमें आपको रेजिस्टेंस दिया था ना 0.5, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे मैंने रेजिस्टेंस दिया है 4.5 मिली ओम। चलो तो 4.5 मिली यानी 10^-3 कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.88 × 10^-2 एम्पीयर। देखो बच्चों आपको टोटली न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, प्लीज ये दोनों न्यूमेरिकल दो तीन बार लिख देना, दो तीन बार वीडियो देखना तो ही आपको ये दो न्यूमेरिकल पक्के होने वाले हैं। ओके बच्चों बहुत ही परफेक्ट देख लो दोनों मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल।